हर हर महादेव, महादेव, जय 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 जय। सुबह के 6:32 और माँ के श्री चरणों में स्नान का आनंद लेंगे। जय हो गंगे मैया, जय हो गंगे मैया, हर 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 गंगे माँ। कोहरा बहुत है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अंधेरा है ऊपर से। महादेव हर हर गंगे, हर हर महादेव, शंभो कैलाश पति, शंभो हर 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 महादेव, जय जय गंगे मैया, शंभो कैलाश पति, महादेव 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 महादेव। वाह जी वाह, शंभो कैलाशपति। प्रभु जी कह रहे हैं पैर पत्थर हो गए, पैर तो पत्थर हो ही जाते हैं, आनंद आता है। आहा, जय हो गंगे मैया, जय गंगे मैया, महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों सुबह 4:07 पर आप स्कूटर की लाइट में आप ये कोहरा देख रहे हैं, बूंदे तैरती हुई दिखाई दे रही है, साफ पानी की, जल की, कोहरे की। शंभो कैलाशपति, महादेव महादेव महादेव। मित्रों मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024, मंदिर का गेट अभी बंद है और कोई नहीं है, अंधेरा भी है, और सच बताऊं तो हल्का हल्का डर भी लग रहा है, जंगल है। और इस समय सुबह के बजे हैं 4:14। महादेव महादेव महादेव। चलो जी स्नान करते हैं। जय मेरे महादेव, जय मेरी गंगा मैया। कोरा कैसे दिखाई दे रहा है। शंभो कैलाश महादेव, महादेव, जय गंगे मैया। मित्रों श्रीमती जी की भी हिम्मत है, माँ की कृपा है, बाबा की कृपा है कि ऐसे अंधेरे में, ऐसे सुनसान में, ऐसे जंगल में, और माँ बाबा की कृपा से इनकी इतनी हिम्मत हो पाती है, साथ में मेरी भी हिम्मत हो पाती है। जय गंगे मैया, महादेव, शंभो। देखिए मित्रों बच्चे आ रहे हैं रोटी खाने के लिए, परंतु अपने ही बच्चों को रोटी नहीं खाने दे रही है, परंतु इसके पीछे भी कारण है, क्योंकि वो खाएगी तब तो उसके दूध बनेगा और वो बच्चे पी पाएंगे। तो खुद के बच्चों को भी रोटी नहीं खाने दे रही है, तो उसको पता है कि वो खाएगी तो उसके बच्चों का पेट भरेगा, उसका खाना आवश्यक है। हाँ भाई तू कहाँ घूम रहा है अकेला। महादेव महादेव महादेव, जय गंगे मैया, जय जय मेरी गंगे मैया। जय नंदी भगवान जी, जय जय नंदी भगवान जी, जय जय श्री सीताराम जी, जय श्री संकट मोचन हनुमान जी की जय हो, जय हो वीरभद्र महादेव जी। मित्रों अभी आपने देखा मंदिर में रुद्राभिषेक चल रहा है, और कभी कभी मैं कुछ शाणा बन जाता हूँ। रुद्राभिषेक में जो जल की बाल्टियाँ रखी होती हैं, मैं गंगा जी स्नान करके और जल लाता ही हूँ, तो थोड़ा थोड़ा जल मैं उन बाल्टियों में डाल देता हूँ, ताकि उस रुद्राभिषेक में मेरा मामूली सी तुच्छ सी सेवा भी बाबा के रुद्राभिषेक में लग जाए। तो ऐसे स्थानों पर कभी कभी मैं थोड़ा शाणा भी बन जाता हूँ। जय श्री वीरभद्र महादेव, शंभो कैलाश पति, जय नंदी भगवान जी, महादेव महादेव, शंभो कैलाश पति, जय मेरे बड़े शंकर महादेव, शिव शिव शंभो, जय मेरी गंगे मैया, हर 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 गंगे मैया जी, जय मेरे शंभो। वाह जी बहुत सुंदर दृश्य है, चारों तरफ फूल, वाह। और इधर वीरभद्र महादेव जी मंदिर, शंभो कैलाशपति, जय जय। और यहीं की ताजी सब्जियां हम खरीदते हैं, इसी पावन भूमि में होगी भाई। महादेव शंभो, जय हो तेरी कृपा।
मैंने पूछा काम कितना करा, काम ही नहीं आया। दुकान मित्रों दाढ़ी स्ट्रेट करा रहा हूँ, और दाढ़ी क्योंकि कारण ये है कि दाढ़ी में जब गंगा जी नहाता हूँ तो मिट्टी रेत और तिनके फंस जाते हैं, कंघा निकलने में परेशानी होती है। पहले भी एक बार कराई थी, आप जो पुराने भाई बहन जुड़े हुए जानते हैं। और आप सोच रहे होंगे इसका क्या काम है, ये जो सॉल्यूशन लगाया है, क्रीम लगाई है, इसमें इतनी भयंकर स्मेल आती है कि सांस आना बंद हो जाता है, तो ये सांस लेने के लिए। महादेव, जय गंगे मैया, जय नागदेव, जय नागदेव। मित्रों मैं अभी यहाँ पर हाथ रख करके माँ के चरणों में प्रणाम कर रहा था, और आँख खोली तो देखा तो मेरे हाथों के बिल्कुल पास में था ये सांप। और अब फिर मैं हटा वहाँ से तो दोबारा फिर वहीं पर आया, और अब आगे निकल गया है। पता नहीं वो मुझसे डर गया या मैं उससे डर गया, बिल्कुल मतलब जब ऐसे हाथ रखे हुए मैंने और आँख खोली तो बिल्कुल पास में, तो एक झटका लगना तो। जय गंगे मैया। ये बाहर आना चाह रहा है आज, ये क्या चक्कर क्या है, ये पानी से बाहर जल्दी से ऐसे आता नहीं है, आज ये बाहर आना चाह रहा है, आ गया है बल्कि बाहर, जल से बाहर आता नहीं है ये। मैंने जितनी बार इसको देखा जल में ही देखा। महादेव, जय गंगे माँ, हर हर गंगे गंगे, हर हर महादेव, महादेव शंभो, कैलाश 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 कैलाश, शिव शिव शंभो। ये दृश्य मित्रों मैंने पहले भी आपको दिखाया है, पहले भी एक बार ऐसे बैराज से ज़्यादा जल छोड़ा हुआ था, तो देखिए ऐसे बड़ी बड़ी लहरें बनने लग जाती हैं। ये अचानक से, मैं बहुत देर से यहाँ पर हूँ, पहले नहीं हो रहा था, अभी होना आरंभ हुआ है। बीच में देखिए यहाँ प्लेन है, और उसके बाद धीरे धीरे यहाँ से बड़ी लहरें बनती चली जाएंगी। अब यही बड़ी लहरें आगे जाकर बड़ी लहरें बनने लग जाएंगी, और आवाज़ आपको आ रही होगी लहरों की। देखिए यहाँ प्लेन है, धीरे धीरे यहीं से ये लहरें बननी शुरू होंगी, फिर वो बनते हुए आगे तक चली जाती हैं, फिर वो लहरें और आगे तक चली जाती हैं, और वहाँ आगे जाकर ख़त्म हो जाती हैं। महादेव, आज दाना डालने में देरी हो गई मित्रों, तो तोते प्रतीक्षा में बैठे हुए हैं, चिड़िया भी बैठी हैं। महादेव, शंभो जी, महादेव, शंभो। एक कबूतर ने या सांड खड़ा है, इसकी वजह से सारे ऊपर जाकर बैठे हैं। महादेव, हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव। मित्रों आज ठंड ठीक ठाक है, और माँ गंगा जी के श्री चरणों में अग्नि देवता जी की गर्मी का आनंद लिया जा रहा है, माँ गंगा जी के चरणों में। महादेव, महादेव, हर हर गंगे मैया जी, हर 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 महादेव। सुबह 6:53 पर आप ये माँ गंगा जी के सुंदर दर्शन प्राप्त कर रहे हैं। हर 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 गंगे माँ। और कोहरा यहाँ से तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, सुंदर लग रहा है। हर हर गंगे मैया महादेव। सामने बैराज, हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव, शंभो कैलाशपति। मित्रों कोहरा देखिए अभी यहाँ बहता हुआ आ रहा है, हमें साफ दिखाई दे रहा है, और हवा चल गई है, और हवा के साथ ठंड बढ़ जाती है, स्पेशल जब गंगा जी स्नान किया हुआ हो। कोहरा ऐसे बड़े एकदम से, हर हर गंगे मैया जी, हर 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 महादेव, शंभो कैलाशपति, जय हो मेरे प्रभु, जय हो शालिग्राम जी, जय शालिग्राम भगवान जी। वाह जी वाह, बहुत सुंदर। और एक ये है, इसमें नर नारायण दोनों हैं, ऊपर नर और नीचे नारायण, एक ये है।
अंदर तक वो दिख रहा है, पर वो धूप में सारे चक्कर दिख रहे हैं अंदर तक पूरे, बचा था पूरे। वाह वाह बहुत सुंदर। महादेव, जय गंगा मैया जी। मित्रों, ये पक्षी 2-3 दिन से लगातार दिख रहा है और इसके धैर्य से हम सीख सकते हैं कि ये एक ही स्थान पर बहुत बहुत देर तक बिना हिले खड़ा रहता है ताकि मछली पास में आए और वो पकड़ ले, और अगर एक कदम भी आगे बढ़ाता है तो बहुत धीरे। यहाँ किनारे से वहाँ तक जाने में उसने 10 मिनट लगा दिए लगभग, और अब वहाँ एक जगह पर काफ़ी देर से खड़ा है। छोटी छोटी मछलियाँ हैं यहाँ पर, अंदर बड़ी भी होती हैं, और ये इसकी एकाग्रता अच्छा, उसके आसपास मछलियाँ उछलती हैं परंतु वो उसकी पहुँच से बाहर होती हैं तो भी हिलता नहीं है, इसका ध्यान भटकता नहीं है कि दूसरी जगह मछली उछली। देखिए आप देख भी रहेंगे, वो इसके आसपास मछलियाँ उछल रही हैं, बुलबुले बन रहे हैं, तो फिर भी इसका ध्यान भटकता नहीं है कि पास में मछली उछल रही है, इसका ध्यान ना हिलने पर ही रहता है और बिल्कुल पास में आने पर ही ये अपना काम करेगा। जय गंगे मैया। ओम नमः शिवाय। मित्रों देखिए, माँ गंगा जी कब यहाँ पर होती थी और देखिए कहाँ वहाँ, 300 मीटर का लगभग अंतर आ गया है। जय जय मेरी गंगे मैया, महादेव शंभो। हर हर गंगे। मित्रों, कुछ बच्चे गंगा जी स्नान कर रहे थे, उनको नाग देवता जी के दर्शन हुए, वो वहाँ से डर करके मेरे पास आ गए और देखिए मस्ती कर रहे हैं ये बच्चे और आनंद ले रहे थे फिर मेरे पास माँ गंगा जी के चरणों का। तो मैंने भी कहा भैया मेरे भी एक वीडियो बना दो, तो उन्होंने बना दी। हर हर गंगे मैया जी, हर हर महादेव।